पीएपीएल का फाइनल टूर्नामेंट मैच था जिसमें यहाँ की लोकल टीम ने ट्रॉफी जीत ली है। और ख़ास बात इसमें ये थी कि जो टैलेंट यहाँ पे उभर के आया है इस टूर्नामेंट के जरिए वो अपने आप में एक बहुत कामयाबी है और मैं समझता हूँ। और यहाँ पे जो बाकी दर्शक थे जिन्होंने ख़ास तौर पे ये नोटिस किया कि इसमें जो कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो नेशनल लेवल के हैं, आईपीएल के लायक हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इस टाइप के टूर्नामेंट होते रहे और इन बच्चों को बाहर जाने का मौका मिला। ये देखकर कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी साथ आई है, एक साथ जुड़ी है और इतना अच्छा उन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, मुझे आशा है कि आने वाले सालों में भी इसी तरह का टूर्नामेंट होगा। इसके अलावा मुझे ये जानकर भी खुशी है कि बाकी खेलों के लिए भी ये कम्युनिटी अग्रसर हो रही है। और भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस उद्देश्य से इस खेल का आयोजन किया गया है, उद्देश्य है नशीली पदार्थों से दूर रहना। और हम सब मानते हैं कि अगर हमारा युवा इन सब बातों से दूर रहे और अपना समय फिज़िकल एक्टिविटी में, खेलकूद में गुजारे, तो उसका भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। जी, आज का जो टूर्नामेंट है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। इसका मोटो था से नो टू ड्रग्स से यस टू स्पोर्ट्स, जो आजकल के यूथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बीमारी है, ड्रग्स में घुस जाना और बेसिकली पूरे दिन मोबाइल पे रहना, पबजी खेलना, आउटपुट ना रहना और बॉडी बिल्कुल ही लथार्जिक रहना और बिल्कुल ही अनहेल्दी हो जाना। तो स्पोर्ट्स एक माध्यम बनता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, एफिशिएंसी बिल्ड करने का और हेल्दी भी रहने का। तो मैं इनका शुक्रिया करना चाहूँगी, इन्होंने बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया और यहाँ पे इकट्ठा होके 16 टीम्स ने, करीबन दिल्ली से भी टीम्स थी, कश्मीर से भी टीम्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से खेला। और आज आपसे दो बातें करना चाहिए, अभी हम यहाँ बैठे हैं। थैंक यू। देखिए, यहाँ का प्लेयर फ्रॉम दिल्ली, जबरदस्त 11 छक्के चेंज हुई आज। बहुत खुशी है कि आज इस प्रोग्राम में आने का मुझे मौका मिला। ये जो टूर्नामेंट यहाँ पे चल रहा है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में तो आपको पता है कि यंगर जनरेशन को इस लाइन में इस तरह की उनकी एनर्जीज चैनलाइज हो जाती हैं और वो अपना ओवरऑल एक पर्सनालिटी डेवलप होती है, उनके जो करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है। मुझे खुशी है कि यहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सभी जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं कि उन्होंने ये यहाँ आने का मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ आगे भी होती रहें और हमारे यंग जनरेशन जो है उनको एक नए आयाम छूने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया।